अभी ना ट्राई किया था इसलिए उतर गया हूँ गाड़ी से। उतरे मास्क देख रहे हैं अभी, वो उनसे पूछा था, वो बेचते थे ना, क्या बोलते हैं, परसों से बचा मास्क के लिए, उनसे पूछा था अभी लेने मास्क के लिए। ये कोरोना को लेकर डर लगता है? क्यों लगता है, सबको डर लगता है, क्यों लगता है डर। अभी गाड़ी से उतरे, अभी तो मास्क ले रहे थे। देश में कोरोना को लेकर ये लापरवाही बच्चों को कैसे भारी पड़ सकती है। बिना मास्क पहनकर खरीदारी करने की होड़ कैसे छोटे छोटे बच्चों को निशाना बना सकती है। कोरोना को लेकर टूटते ये नियम भारत के 30 करोड़ बच्चों के लिए कैसे हानिकारक साबित हो सकते हैं। देश का कोई भी इलाका या फिर शहर हो, कोरोना को लेकर डर हवा हो चुका है। लोगों की ये लापरवाही देश के छोटे छोटे मासूम बच्चों को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। आप पूछेंगे कैसे, ये समझने के लिए आपको अमेरिका चलना होगा, जहां पर ओमिक्रॉन की चपेट में आकर छोटे छोटे बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं। पीडियाट्रिक वार्ड्स ओमिक्रॉन से संक्रमित बच्चों से भर गए हैं, खासकर न्यूयॉर्क में। अमेरिका में रोज 2,14,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन उसकी चिंता को बच्चों के संक्रमण की रफ्तार ने बढ़ा दिया है। न्यूयॉर्क में 5 से 19 दिसंबर के बीच जितने लोग अस्पताल में भर्ती हुए, उसमें आधे मरीज 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह न्यूयॉर्क में सिर्फ 16% बच्चों का टीकाकरण है। शुरुआत में माना गया कि बच्चे बिना वैक्सीन के ही कोरोना को हरा सकते हैं, उनके लक्षणों को घर पर ही ठीक किया जा सकता है। शायद इसीलिए वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में इनका नंबर सबसे बाद में आया। भारत ने पहले 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग और हेल्थ वर्करों को टीका लगाया, फिर इस सीमा को घटाकर 45 साल और 18 साल कर दिया। अब भारत में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने की तैयारी है, लेकिन 15 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन का कवच कब मिलेगा, इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। न्यूयॉर्क की इस तस्वीर में आप कोरोना का टेस्ट और वैक्सीन लगवाने वालों की भीड़ देख सकते हैं। इसमें आपको छोटे बच्चे भी मिल जाएंगे जो अपना रैपिड टेस्ट करवाने के लिए अपने परिजनों के साथ आए हैं। अमेरिका में लगातार कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ओमिक्रॉन बड़ी संख्या में बच्चों को संक्रमित कर रहा है, इसके कारण बड़ी संख्या में बच्चों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में न्यूयॉर्क में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने की संख्या 4 गुना तक बढ़ी है। भारत जैसे देश के लिए ये आंकड़ा इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि हमारे देश में करोड़ों बच्चे बिना मास्क और सुरक्षा के ओमिक्रॉन के संक्रमण में घूम रहे हैं। आपके सामने कोलकाता की तस्वीर है, जहाँ चिड़ियाघर का ये वीडियो देखकर आप बच्चों पर ओमिक्रॉन के मंडराते खतरे को अच्छे से समझ पाएंगे। कोलकाता के जू की इन तस्वीरों में आपको 2 गज की दूरी और मास्क के जरूरी का नियम ढूंढे नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इन तस्वीरों में दिखने वाला हर एक बच्चा भी मास्क की सुरक्षा से दूर है। ये देखिए, इस भीड़ में कई बच्चे इतने छोटे हैं कि उन्हें मास्क लगाया भी नहीं जा सकता। अब सोचिए, जो ओमिक्रॉन सबसे ज्यादा संक्रामक है, वो इन बच्चों को क्यों पहले शिकार नहीं बनाएगा जिन्हें अभी वैक्सीन तक नहीं लगी है। यानी लोगों का इस तरह से अपने बच्चों को लेकर ओमिक्रॉन के खतरे के बीच घूमना उनके बच्चों के लिए खतरनाक माना जा सकता है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का अनुभव कहता है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित बच्चों में अस्पताल जाने का खतरा 20% ज्यादा हो जाता है। यूनाइटेड किंगडम 5 से 11 साल के बच्चों में संक्रमण का खतरा 2 गुना पाया गया। ओमिक्रॉन जो फैलता है वो एक से दूसरे को फैलता है, तो यदि पेरेंट्स अपने को खुद को ओमिक्रॉन से बचाए तो हमेशा बच्चों तो नहीं रहेंगे। और बच्चों को स्कूल में भेजने के पहले मुझे लगता है वैक्सीनेशन देना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो भी बच्चा जरा भी बीमार है तो उसको स्कूल में मत भेजो। और स्कूल शुरू करने के पहले या आमतौर पर पूरा स्कूल चालू करने पर जितना जल्दी आप वैक्सीनेशन देंगे उतना अच्छा है। तो प्लीज वैक्सीनेट योर चिल्ड्रन एज अर्ली एज पॉसिबल। और गवर्नमेंट को, मुझे तो मालूम है उनको कि इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने पास, वैक्सीन तैयार है, वैक्सीन जल्दी से जल्दी दे दो। ट्रायल्स भी हुए हैं, अभी जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट ने वैक्सीन देना, ये गवर्नमेंट का और डॉक्टर लोगों का एक कर्तव्य है और यही बच्चों को बीमारी से बचाएगा। तक जो केसेस जो देखने में आए हैं ये हो रहे हैं कि जो बच्चे अभी तक एक्सपोज नहीं हुए हैं सराउंडिंग्स को या किसी दूसरे कोरोना पेशेंट्स को, उनमें चांसेस है कि ऐसे बच्चों में जो है कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट की इन्फेक्शन होने के चांसेस उनमें है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो है ओमिक्रॉन का इन्फेक्टिविटी बच्चों में होना जो है एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है। ऐसे ही वैक्सीनेशंस अवेलेबल होते हैं, उनको भी वैक्सीनेशंस लगा देना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ वैक्सीनेशन उनके नॉर्मली जो ड्यू है, कोरोना छोड़ के जो वैक्सीनेशन ड्यू है, वो जल्द से जल्द कंप्लीट कर ले, सो दैट वो एक पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रह सके। तो कोरोना के नए वेरिएंट के लिए बच्चे आसान शिकार इसीलिए है क्योंकि उन्हें वैक्सीन का सुरक्षा चक्र नहीं मिल सका है। घर में बंद बच्चों की इम्यूनिटी कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने में इतनी कारगर नहीं है, इसीलिए बच्चों को बचाने के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि उनके परिवार के बड़े सदस्य इस महामारी से जुड़े नियमों का पालन करें, तभी अमेरिका जैसे हर्ष से बचा जा सकेगा। आज तक ब्यूरो।